जय जवान जय किसान, कैसे हो आप सभी? हाँ जी मैं ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक हो। कुछ नेताओं की कुर्सी खतरे में लग रही, सबको पता किसकी कुर्सी खतरे में। एक बंदा हमारे देश में बहुत ज़्यादा जल्दी उसके चक्कर में, मतलब हिसाब किताब अपना बांधने के। देखो आपने एक भाषण सुना होगा, अभी ये दे रहे पंजाब में जाके, हमारे भारत की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब में जाके भाषण दे रहे वे, मैं यो दे दूंगा, मैं यो कर दूंगा, मैं यो कर दूंगा, मैं वो बांट दूंगा, मैं वो बांट दूंगा। नई नई घोषणाएं वो बैठ के वहाँ कर रहे। एक बात तो बताओ केजरीवाल जी, तुम लपक के वहाँ पंजाब पहुँचे हो, तुम्हें अपने घर जो तुम्हारे घर के बाहर आ गया है ना, आज जो वे बीरबानी बैठी हुई है बेचारी 16 दिन से बिना दिखती था, मैं उनका वेतन ना बढ़ रहा है। 130 रुपए रोज का उन्हें मिला है, 130 रुपए। और घर का भी काम करके वे अपने का जावे, फिर शाम को भी अपने घर का काम करे, और जो थारे यहाँ ड्यूटी करा ना, 130 रुपए के करीब उन्हें वे मिला है, उनका वेतन का उन्हें बढ़ा देते है, तब लपक के पंजाब तो पहुंच गए नई नई भाषण देने के लिए है। देखो इनके घर पर कितना बढ़िया ड्रामा हो रहा। ये दिल्ली के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके घर के बाहर आगे करना जा रहा है, ठीक है। इन्हें मतलब इन्हें इधर उधर का इन्हें ताका झांक करने की आदत है, लेकिन जहां खुद जनता ने चुन लिया वहां नहीं देखेंगे। दिल्ली में इतना कूड़ा कचरा पड़ा रहे, उसे भी साफ करवा ले करो थोड़ा बहुत है, या तुम्हें कुछ पता ही ना, बोझ तो तुम दिखेगा कहां से, तुम्हें तो पूरा देश नापना ना, प्रधानमंत्री बनने की तैयारी जल्दी में है ना तुम्हारी, इसलिए तुम्हें देश नापना, तुम्हें अपने अपने अड़ोस पड़ोस का नहीं दिखता, अपने घर की समस्या जिस बंदे को दिख रही हो, वे बीरबानी 16 दिन से वहां बैठी हो, और वो बंदा जो पूर्ण बहुमत से उन्होंने उन्हें जिताया, मुख्यमंत्री बनाया, और वो पंजाब के दौरे लगा रहे, घर के बाहर आ गया जनता बैठी, और जो राजा घर सुबह है, देखो जी क्या हो रहा, यही तो समस्या है, और समस्या कुछ नहीं है। इन्हें खतरे में नजर आवे हिंदू, ये हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई जो करवाना चाह रहे ये, इन्हें खतरे में नजर आवे, हमें तो ना आती नजर, हमें तो इनकी कुर्सी दिख रही इस टाइम खतरे में सबकी। वहां पंजाब पहुंच गए इतनी दूर, अपने घर से बाहर निकल गए झांक के, तो देखो एक बार क्या पूरा महिलाओं ने तुम्हारा घर घेर रखा, जुम जो जोड़ रखा, क्योंकि तुमने उनका वेतन नहीं बढ़ाया भाई, तुम्हें तो 2 बार वो बना दिया उन्होंने मुख्यमंत्री, तुमने के फार्म भर दिए के झाझे नाप दिए तुमने, तब वहां पहुंच गए फटाकसु, पहले कभी देख लो, वे बेचारी ढूंढ रही कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कहाँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री तो क्या बोलते हैं दूसरे राज्य में जा रहे, बताओ समस्या नहीं दिख रही इन्हें बिल्कुल भी, क्योंकि ना इन्हें किसी इंसान से मतलब, ना इंसानियत से मतलब, इन्हें तो धर्मवाद जातवाद करके कुर्सी से मतलब है, सारे संघी टाइप के, ये RSS में थे ना पहले, तो विचारधारा वही रहेगी, क्या कर लोगे। अब ये मत सोचना कि आपने बिजली की यूनिट वहां पे फ्री कर रखी थोड़ी सी तो समस्या सोल्व हो गई, समस्या नहीं सुलझी, पहले तुम एक राज्य को तो देख लो, तुम्हें दे तो रखा एक घर, तुम फिर रहे भटकते हुए, एक पैर तुम्हारा उसमें पंजाब में, एक दिल्ली में, एक उत्तराखंड में, बताओ जी हद होगी बिल्कुल, कभी पंजाब कभी दिल्ली कभी उत्तराखंड, अरे अपने जो राज्य दिया उसमें गंदगी इतनी हो रही, दिल्ली में इतना सारा कूड़ा कबाड़ा कचरा रह हुआ है, बारिश में पानी भर जावे इतना गंदे तरीके से, लोग फिर इतना बीमार होने लग जाए, बीमारी फैलने लग जावे, वो करो ना आप सिस्टम को सुधारो। ये जो महिला बैठी है इनका वेतन बढ़ाओ, बेचारी अपने घर चली जावे, 16 दिन हो गए उन्हें आज आंदोलन करते करते, ये देखो। लेकिन नहीं, आप दूसरे की थाली में भोजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल जी, और मैं तो उनको भी बोलूंगी जो केजरीवाल जी की पार्टी से वहां पे जुड़ा हुआ आदमी है पंजाब में, मैं उनसे बोलूंगी कि भाई जी जो दिल्ली में ये बहन बेटी आंदोलन कर रही है, ये भी तो इनके लिए कर रही है ना, इनके खिलाफ कर रही है ना, इनके विरुद्ध कर रही है ना, क्योंकि इन्होंने उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई। अगर ये बढ़िया आदमी होते तो इनके खिलाफ वहां पर धरना नहीं होता दिल्ली में, जो भी आंगनवाड़ी वाली कर रही है, और ये तुम्हारे यहाँ जाकर नए नए भाषण दे रहे हैं, नए नए पर्चे बांट रहे, तो तुम इनके बहकावे में नहीं हो। मैं ये अपील करती हूँ पंजाब के अपने उन किसानों से, एक बात और बताओ, पंजाब मेरे पंजाब वाले भाइयों ने बहुत सपोर्ट करा हमारे इस आंदोलन की, जो चिंगारी हुई थी किसान आंदोलन की, वो पंजाब से आकर के फिर ये तुम्हारा हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर UP, राजस्थान, फिर सारे में फैली थी। एक बात बताओ, आप जितने भी मेरे पंजाब वाले भाई है, जितने इनकी पार्टी में जुड़े हुए, जो पार्टी में जुड़े हुए,
जो इनके डंडे झंडे ठाल लग रहे। तुम नु बताओ, जब बॉर्डर पे किसान बैठा था, अन्नदाता बैठा था, क्या केजरीवाल जी ने एक बार भी सपोर्ट करा था आखिर? क्या नहीं करा था, सिर्फ ये बोला हुआ था कि मंच किसी नेता को नहीं दिया जाएगा। ये थोड़ी गई थी कि बॉर्डर पे भी नाम है हाल देखने। ये आए थे जी आपका हाल देखने के लिए, जब तुम्हें खालिस्तानी, तुम्हें पाकिस्तानी, तुम्हें आतंकवादी बताया जा रहा था, कि केजरीवाल जी आए थे तुम्हारे पास ये कहने के लिए कि नहीं नहीं गलत कहा जा रहा, ये मेरे देश का किसान है, अन्नदाता नहीं। लेकिन अब बात आ रही वोट मांगने वाली, अब इनको एक मुख्यमंत्री बनाने वहां से। ये देखो आप तर्क भी लगाओ। मेरा अनुरोध है पंजाब वाले भाइयों से कि आप किसान आंदोलन में बैठे थे, आपको खालिस्तानी तक बोला था सरकार ने, क्या आए थे केजरीवाल जी आपके समर्थन में? क्या किया था इन्होंने 10-20 दिन धरना? क्या निकाली थी इन्होंने रैली किसान आंदोलन के लिए? नहीं निकाली। तो ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे, जब तो इनके जुबान न रह रही थी, जुबान मुंह बंद हो जाए, दही जम जाए इनके मुंह में जब बात बोलने वाली हूँ मैं। ये सारे एक थाली के चट्टे बट्टे सारे निकले हुए तो आरएसएस से ही है। सोच भी वही होगी, विचारधारा भी वही होगी, और आके जाके गोदी में भी वही बैठेंगे ये। आप इस बात को सोचना। मेरा अनुरोध है पंजाब के भाइयों से, वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करना ताकि वीडियो पंजाब में हर व्यक्ति के पास पहुंच जावे। मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मुझे फॉलो करिएगा इंस्टाग्राम पे Pandit Poonam 609 नॉन स्पेस, और मुझे फॉलो करिएगा ट्विटर पे @PoonamPanditIND। मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। और आप उस माहौल को भी याद रखिएगा कि ये कितने आए थे, इन्होंने कितनी तुम्हारी आवाज उठाई, कितने इन्होंने मीडिया में उठाई, कितने इन्होंने तुम्हारे लिए धरने करे। इनके चक्करों में नहीं आना। जब खालिस्तानी कह रहे थे, पाकिस्तानी कह रहे थे ना सरकार के लोग, ये बोले नहीं थे। ध्यान रखना अपना भी, अपनों का भी, ऐसे कोई बहकावे में नहीं आना, क्योंकि सारे जुड़े हुए वही हैं ये आरएसएस के। जय हिंद जय भारत।